हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ न्यू ग्रामर प्लस वर्कबुक एक्सरसाइजेस का लेसन नंबर 3 द ट्रिक दैट डिडंट वर्क। बहुत ही मज़ेदार चालू गोलू जैकॉल्स वाला चैप्टर है। चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो देख लेना और साथों साथ बुक एक्सरसाइजेस भी अनदर वीडियो में हैं। इसमें हम वर्कबुक डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टेक आउट योर पेंसिल्स, गेट सेट, गो, प्ले विद वर्ड्स, टिक द करेक्ट वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट टू कम्प्लीट द सिमिलीज। सिमिलीज को कम्प्लीट करेंगे। अपूर्वी इज द फास्टेस्ट रनर ऑन द स्कूल टीम, शी रन्स लाइक अ हेयर। हेयर क्या होता है? चियारी हेयर, पता है आपको, सफ़ेद खरगोश। अफजल इज अ स्मार्ट, ही इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स। चालाक कौन होता है? फॉक्स। विदाउट माई स्पेक्टिकल्स, चश्मों के बगैर, आई एम एज ब्लाइंड एज अ बैट। बैट क्या होता है? चमगादड़। द विलेज वेल हैज ड्राइड अप, उसका जो कुआं था वो सूख गया है। इट इज एज ड्राई एज बोन, बोन बिल्कुल सूखी होती है। वरुण एंड कावी आर ट्विंस, दे आर अलाइक एज टू पॉड्स इन अ पीज इन अ पॉड, पीज इन अ पॉड। बी है सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम एज द वर्ड्स इन कैपिटल, उन वर्ड्स को ही सर्कल करेंगे। स्केयर फंबल करना, फ्राइटन करना या जंबल फ्राइटन। रोम माने घूमना, वेंडर माने भी घूमना होता है। कंट्री कोर्ट कोई मैचिंग नहीं है, वेंडर इज द करेक्ट। मर्चेंट कौन होता है? मर्चेंट होता है कोई ट्रैवलर या कोई व्यापारी या बोटमैन, ट्रेडर। प्रॉमिस सीक्रेट, लाई या प्लेज, प्रॉमिस होती है एक प्लेज। ह्यूमरस मीन्स हंसाने वाला, एम्बेरेस्ड। फनी सिली, embarrassed। पंचुएशन, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। ऐड कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेयर एवर नीडेड एंड रीराइट। पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना है मेरे को। मैंने खाली वही वर्ड्स लिखे हैं जिन्हें आप कैपिटल में लिखोगे। किसी का नाम हम स्टार्ट कैपिटल से करते हैं। बॉब बी कैपिटल एंड हिज सिस्टर आर लिविंग फॉर पुडुचेरी, नेम है, पी से कैपिटल एंड फुल स्टॉप इन द लास्ट। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, प्रॉपर नाउन, टी कैपिटल, जी कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, सी कैपिटल, वॉज बिल्ट टू प्रोटेक्ट द चाइनीज, सी कैपिटल एम्पायर, फुल स्टॉप इन द लास्ट। एम्पायर का ई स्मॉल ही रहेगा। चित्रकूट कैपिटल लेटर सी। वाटरफॉल्स इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, सी कैपिटल इंडिया, आई कैपिटल, फुल स्टॉप इन द लास्ट। डिसम्बर कैपिटल लेटर डी। इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर, फुल स्टॉप इन द लास्ट। मदर एंड फादर आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर माई सिस्टर, आई एम कैपिटल एंड फुल स्टॉप इन द लास्ट। ग्रामर फन की एक्सरसाइज करेंगे अब। सर्कल द काउंटेबल एंड अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउंस इन दी सेंटेंसेस। काउंटेबल वो होते हैं जिन्हें आप गिन सकते हो, अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। द इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं गिन जा सकती, अंडरलाइन इट। दैट यू गेव मी वॉज वेरी यूजफुल। ऑल द ट्रीज काउंटेबल। इन द ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड होता है बगीचा, वर प्लांटेड बाय माई ग्रैंडफादर। सो सर्कल वाले सारे के सारे काउंटेबल नाउन्स हैं। प्लीज़ पुट द गार्बेज, कूड़ा, अनकाउंटेबल, इन टू द डस्टबिन, डस्टबिन काउंटेबल। प्लीज़ रिटर्न द मनी, अनकाउंटेबल, यू बोरोड फ्रॉम मी। आई मेड अ सैंडविच, विच इज़ अ काउंटेबल नाउन। चीज़ अनकाउंटेबल, टोमेटोज काउंटेबल। आस्क द वेट्रेस, वेट्रेस होती है वेटर की फीमेल, काउंटेबल है। टू ब्रिंग सम वाटर, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। राइट वेदर द नाउन यू हैव चूजन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलो करते हैं। आई विश यू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज अनकाउंटेबल। माया विजिटेड द पोल्यूट्री फार्म लास्ट वीक। पोल्यूट्री फार्म वो होता है जहाँ पे अंडे देते हैं, अंडे होते हैं ना मुर्गी के अंडे, तो ये अनकाउंटेबल है। माई मदर नीड्स मी टू हेल्प हर अरेंज द बुक शेल्स, बुक शेल्स आर काउंटेबल नाउन्स। जैकॉब वेंट आउट टू प्ले आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क, वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन। फादर हैज़ वर्कड इन मैनी फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज इज काउंटेबल नाउन। अलोक प्लेज हॉकी फॉर द स्कूल टीम, टीम इज काउंटेबल नाउन। सीता हैज गॉन टू बाय सम स्टेशनरी, अनकाउंटेबल नाउन। स्टेशनरी माने की किताब, कॉपी किताबों की चीज़ें।
A person who gives generously to good causes is known as philanthropist. इसको हम count कर सकते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Write common or neuter gender to the underlined nouns. Teenager. Teenager लड़की भी होती है, लड़का भी होता है, so it's a common gender. Tarun is going to the movies with his friends. Friends are common gender. लड़के भी होते हैं friend, लड़कियां भी होती हैं. Have you seen my sunglasses? Sunglasses होते हैं neuter gender, उनका कोई gender नहीं होता. The ship was stranded on the deserted island. Island होता है neuter gender, उसका कोई gender नहीं होता. This bookshelf is very dusty. Bookshelf कोई gender नहीं होता, it belongs to neuter gender. Add apostrophes to make possessive nouns and rewrite them these phrases correctly. ढंग से करके लिखते हैं. चलो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे और apostrophe यूज करेंगे. My school's washroom apostrophe s, John's car apostrophe s, baby's cradle apostrophe s, India's apostrophe s, natural beauty, the lady's purse, the men's hat, man apostrophe s. Writing fun, कुछ हमारे को listed below is a schedule Mrs. Smith followed yesterday. इस हिसाब से उन्होंने कल काम किया था. Using the time table as reference, write a paragraph on how she spent her day. क्या क्या उसने किया इस time table को follow करते हुए अपने words में लिखेंगे. Mrs. Smith woke up at 7 AM, then she wakes up the children, makes breakfast and packs lunches. To save petrol, she carpools the children to school. Carpool होता है जब एक ही जगह जाना हो कई लोगों को और वो एक साथ चले जाएं तो पेट्रोल बचा लिया जाता है, ये होता है carpool. She reaches the office at 9 AM. Around 11:30 AM, she attends a meeting with chairman. At 1 PM, she had her lunch with her colleague Mrs. Gupta. Full stop. While returning back from office, she buys vegetables and at 6 PM, she helps her children with the homework. At the last, she visits neighbor's house for chats, gossip करने के लिए and eats dinner around 8 PM. तो ये था Mrs. Smith का डेली का स्केड्यूल और मेरी वीडियो का भी यहाँ पे ही एंड हो रहा है. आई होप वीडियो तो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी. अगर वीडियो रियली हेल्पफुल थी तो ज़रूर से लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे. थैंक यू. बाय बाय.